वर्ल्ड कप के सफल कप्तान। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के सफल कप्तानों की। जीत के प्रतिशत के आधार पर हम यहां पेश कर रहे हैं वर्ल्ड कप के टॉप 5 कैप्टन। इनमें से दो भारतीय कप्तान हैं। आइए देखते हैं कौन है ये सफल कप्तान। नंबर 5 पर है न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो 1992 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के कप्तान रहे। इस विश्व कप में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से बहुत छोटे अंतर से हारने के बाद बाहर हो जाना पड़ा। मार्टिन क्रो के लिए यह बेहतरीन विश्व कप रहा। उन्होंने पूरे विश्व कप में 456 रन बनाए और विश्व कप इतिहास के पहले मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। इस दौरान उनकी टीम की जीत का प्रतिशत 77.66 रहा। इस आधार पर भी क्रिकेट विश्व कप के बेस्ट 5 कैप्टन की तालिका में 5वें नंबर पर हैं। नंबर 4 पर हैं भारत के सौरव गांगुली। भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई में 2003 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल हार कर विश्व कप जीत से महरूम रह गई। 2003 के विश्व कप में भारतीय टीम ने गांगुली की अगुवाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। गांगुली ने 2003 के विश्व कप में 3 शतक भी लगाए। वे 1999 व 2007 के विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे। विश्व कप में बतौर कप्तान उन्होंने 11 मैच खेले जिसमें 9 में उन्हें जीत मिली। इस प्रकार गांगुली का जीत का प्रतिशत बतौर कप्तान 81.81 रहा और वे टॉप कप्तानों की तालिका में नंबर 4 पर रहे। नंबर 3 पर हैं भारत के ही महेंद्र सिंह धोनी। वर्तमान भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 के विश्व कप के बाद भारतीय टीम की कमान संभाली थी। भारतीय टीम ने धोनी की अगुवाई में 2011 का विश्व कप खेला। धोनी की अगुवाई में भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए श्रीलंका को विश्व कप फाइनल में हरा दिया व दूसरी बार भारत ने विश्व कप अपने नाम किया। धोनी ने फाइनल में श्रीलंका के विरुद्ध 79 गेंदों में 91 तेज तर्रार रन बनाकर भारत की जीत को प्रशस्त किया। धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप में 9 मैच खेले जिसमें 7 जीते व 1 टाई रहा। इस लिहाज से धोनी के जीत का प्रतिशत 82.33 रहा और वे विश्व कप के तीसरे बेस्ट कैप्टन हैं। धोनी विश्व कप 2015 में भी भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। विश्व कप के बेस्ट 5 कप्तानों की लिस्ट में वे 3रे नंबर पर हैं। नंबर 2 पर हैं वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड। वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने वेस्टइंडीज को लगातार 2 क्रिकेट विश्व कप दिलाए। क्लाइव लॉयड ने 1975 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ताबड़तोड़ रन बटोरते हुए सैकड़ा लगाया और ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए विश्व कप वेस्टइंडीज के नाम किया। क्लाइव लॉयड ने 2 विश्व कप में वेस्टइंडीज का नेतृत्व किया। इस दौरान वेस्टइंडीज ने उनकी कप्तानी में 17 मैच खेले जिनमें से उन्हें 15 में जीत हासिल हुई। इस तरह विश्व कप में उनकी जीत का प्रतिशत 88.23 रहा। विश्व कप के बेस्ट 5 कप्तानों की लिस्ट में वे 2रे नंबर पर हैं। नंबर 1 पोजीशन पर हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग। विश्व कप क्रिकेट के सफलतम कप्तानों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग शिखर पर हैं। रिकी पोंटिंग ने लगातार 4 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया टीम की अगुवाई की जिसमें से 3 लगातार विश्व कप जिताने में पोंटिंग की अभिन्न भूमिका रही। विश्व कप 2011 में भी ऑस्ट्रेलिया विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंची लेकिन भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से बाहर हो गई। भारत के खिलाफ विश्व कप 2003 में पोंटिंग ने 140 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप जीत को प्रशस्त किया था। पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 29 मैच खेले जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 26 मैचों में जीत दर्ज की व 1 टाई रहा। पोंटिंग ने कैप्टन के रूप में 29 सबसे ज्यादा कैच लपके हैं। उनके बाद न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग का नाम आता है जिन्होंने 28 कैच लपके हैं। पोंटिंग का विश्व कप में कप्तान के रूप में जीत का प्रतिशत 92